ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है, आइए अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। भैंसा शहर में बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने पर दलित तबके की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया। शहर की मसरूफ तरीन शहरा पर वाकई अम्बेडकर मुजस्मे को शहर के एक शख्स जो हालत नशे में था अम्बेडकर के मुजस्मे पर हमला करते हुए नुकसान पहुंचाया। इस बात की खबर मिलते ही दलित तबके की आवाम में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई और शहर की मसरूफ तरीन शहरा पर वाकई बस स्टैंड के रूबरू धरना मुनजम करते हुए एहतजाज किया गया। इस वाकये की इत्तला मिलने पर भैंसा एएसपी किरण प्रभाकर खेर ने पुलिस जमीयत के हमरा मुकामी वारदात पर पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश करते हुए दीगर मुकामात से पुलिस अहदेदारों को तलब करते हुए शहर के हसास मुकामात पर तायनात कर दिया और दलित तबके के एहतजाजियों की जानिब से कसूरवारों शख्स को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की गई, जिस पर भैंसा एएसपी किरण प्रभाकर खिरे ने एहतजाजियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दलित तबके के नौजवानों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्मे की बेहरमती करने पर दिल बर्दाश्त होते हुए अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस खुदकुशी को नाकाम बना दिया। एहतजाजियों ने महकमे आरटीसी के 5 बसों पर संगबारी करते हुए नुकसान पहुंचाया, जिस पर पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशर करते हुए चंद दलित तबके के नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। बाद एएसपी किरण प्रभाकर ने दलित तबके की आवाम को बताया कि पुलिस ने कसूरवार शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त सजा दी जाएगी। एएसपी किरण प्रभाकर खिरे ने भैंसा शहर की आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और पुलिस का साथ देते हुए शहर को अमन अमान से रखें। टाउन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू डैमेज किया गया, इसके अंदर पुलिस की तरफ से एक प्रॉम्प्टली एक्शन लेते हुए एक्यूज पर्सन को हमने रेड हैंडेडली पकड़ा। इसमें एक्यूज पर्सन एक 60 साल का 60 ईयर ओल्ड पर्सन है जो मेंटली अनस्टेबल पर्सन है, उस पर पुलिस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है और साथ में ही उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी कि पीडी एक्ट प्रोसीजर हमने स्टार्ट कर दिया है और साथ में ही ऐसे ट्रबल मॉन्गर फिर से भैंसा में ना आए इसके लिए उसके अगेंस्ट हमने एक्सटर्मेंट यानी कि तड़ीपार प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर डैमेज होने के बाद में कुछ लोगों की तरफ से भैंसा में रास्ता रोको आंदोलन हुआ, इसके अंदर पुलिस की तरफ से प्रॉपरली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए ये रास्ता रोको पीसफुली कंप्लीट हो चुका है और इसमें किसी भी तरह का प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुआ है। अभी पुलिस की तरफ से सेक्शन 144 भैंसा में लागू किया गया, इसके अंदर यदि कोई भी किसी तरह का अनलॉफुल असेंबली तैयार होता है, किसी भी तरह का क्राउड यदि होता है और कोई कानून हाथ में लेता है तो पुलिस की तरफ से उन लोगों पर एक स्ट्रांग से स्ट्रांग एक्शन लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि कोई भी आदमी किसी भी रूमर नाज़रीन हमारे टीटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें और किसी एडवर्टाइजमेंट से मुतालिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9550102020।